हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में, यानी कि एफएसएसएआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 को, 10 और 11 को जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं उसमें जो पर्सनल असिस्टेंट है उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। बाकी फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके कई सारे लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जाके। लगभग सिलेबस काफ़ी मैंने उसके लिए कवर कर दिया है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन कुछ लोगों की क्वेरी है तो मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि इतने दिनों में कुछ आप नया सीखें। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप कुछ PDF वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो जो हमारा पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट का पेपर जो है वो टोटली लगभग इंग्लिश में ही होगा क्योंकि उसका टोटल जो पोर्शन है सिलेबस का वो ग्रामर पोर्शन है, तो उसमें आप हिंदी तो लिख नहीं सकते हैं, तो आपका पेपर जो होगा वो लगभग आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका पोस्ट जो है वो ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस बारे में और बात करें तो जो इसका एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा और जो टाइम है वो 120 मिनट यानी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। पेन और पेपर मोड होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम है तो पेन और पेपर मोड होगा। ठीक है, तो सिलेबस थोड़ा बात करें, जो मेन बात है, मेन पोर्शन है, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपका यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी है, यहाँ पे एक है पार्ट ए एक है पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो आपका पार्ट ए जो है वो ज़्यादा वेटेज रखता है, यानी कि 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका पार्ट ए है, पार्ट बी जो है वो आपका 40 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ से आपको मिलेंगे 100 मार्क्स। जब आपको यहाँ से 100 मार्क्स मिलेंगे उसके पहले जो आपने CBT में स्कोर किया होगा दोनों को कंसीडर किया जाएगा 50-50%, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना यहीं से डिसाइड होगा। ठीक है, तो CBT में आपने अच्छा कर लिया, अच्छी बात है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब अगर आप आगे तक जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ तो अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल ऑल ओवर सिलेबस की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस टोटली क्लास 12th पे डिपेंड है। क्लास 12th का जो आपका ग्रामर का सिलेबस होता है ना, बस वही है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने ग्रामर जो आपने 12th क्लास में फॉलो किया है, अगर आप वही चीज़ें फॉलो करके चलते हैं तो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे आप ये लेटर राइटिंग वगैरह जब करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द 7C ऑफ लेटर राइटिंग, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जो आपका पोर्शन है, पहला जो आपका टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ ग्रामर। बेसिक ऑफ ग्रामर का मतलब यही है, आप जो टेंस वगैरह पढ़ते हैं उस टेंस से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उसमें एरर फाइंड करनी होगी, उसमें एरर है कि नहीं है। मान लिया कुछ लिख दिया है, पास्ट का टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है, उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है या फिर जो आपकी वर्ब लगती है एक्सिलरी वर्ब लगती है, तो इन दोनों को ठीक से यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, प्रॉपर जो वर्ब की फॉर्म्स है उनका यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया, तो आपको बेसिकली यहाँ पे टोटल ग्रामर के रूल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। सभी को आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आते हो तब भी आपसे वो नॉर्मल बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो नॉर्मल होते हैं, जो जनरली चीज़ें जिसके बारे में नहीं लोगों को पता होती हैं तो वही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो ग्रामर मिस्टेक भी वैसी आती है जिसको आप आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं एक बार देखने पे, तो वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, तो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कोई भी बुक से पढ़िएगा आप, अगर इंग्लिश जनरल इंग्लिश की लूशेंट की बुक भी पढ़ के जा रहे हैं तो भी आप यहाँ पर चीज़ें कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो बुक है मैं आगे एक बता दूंगा, आप लूसेंट की बुक वैसे ले सकते हैं, जनरल इंग्लिश की वो अच्छी बुक है। ठीक है, तो कॉमन एरर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, टेंस के बारे में, फिर प्रिपोजिशन का कैसे यूज़ होता है, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एक्टिव और पैसिव वाइज वगैरह होता है जिसको नरेशन भी बोलते हैं, और क्लॉजेस वगैरह, तो इसमें जो एरर्स वगैरह होते हैं या फिर कैसे इनका यूज़ करना है, कौन सा प्रोपोजिशन यूज़ होगा, आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा, तो इस बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले वाले पोर्शन में आप कोशिश करिएगा कि 20 में हम अच्छा स्कोर करें। उसके बाद में जो पार्ट नंबर तुम्हारा पार्ट ए में ही जो सेकेंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है, उसमें है एसे राइटिंग। ठीक है, एसे राइटिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर चीज़ों को पढ़िए, एक जो अच्छा एसे होता है ना उसमें क्या क्या
एक एसे का बॉडी क्या होता है, एक एसे का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से टर्म होते हैं जो एसे में अच्छे से इंक्लूड किए जाने चाहिए, जैसे एसे स्टार्टिंग करते टाइम ओपनिंग कैसे होती है, उसका क्लोजिंग कैसे होता है, किसी चीज़ को लिखते हैं तो स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर उसको क्लोज कैसे करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेज़र देखा क्या जाता है, आपका फॉर्मेट देखा जाएगा, आपने जो फॉर्मेट लिखा है वो कैसा है, सही है कि नहीं है, आपने प्रॉपर जो पैराग्राफ्स जैसे लिखे जाते हैं वैसे आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक एक वर्ड वहाँ पर कोई नहीं देखता है। देखिए, नंबर गेन करने का ये तरीका होता है, सबसे पहला जो होता है इंसान के नज़र में फॉर्मेट आता है किसी चीज़ को, तो फॉर्मेट आपको अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद में जो आप किसी ऐसे की जो ओपनिंग यानी कि इनिशिएटिव जो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, उसके बाद में जो उसकी क्लोजिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से सही है कि नहीं सही है, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एसे देख लीजिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी और बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में लेटर राइटिंग की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 7C ऑफ लेटर राइटिंग, यानी कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेटर राइटिंग के, जैसे कि मान लिया कि आपको अगर कोई बिजनेस लेटर लिखना है तो उसके 7C का मतलब है, यहाँ पे 7C होंगे, 7C हैं, इनका कुछ मीनिंग है। जैसे एक सी का मीनिंग होता है कंसाइज, एक होता है कॉर्डियलिटी, कन्विंसिंग, क्लैरिटी, करेक्टनेस होता है, ठीक है, कोहरेंट होता है, ठीक है, ये कुछ कंप्लीटनेस होता है, तो ये सी होते हैं, कुछ सी का जो एक मीनिंग होता है ये प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, जो 7C होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। पर्पस स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, लेटर्स टू न्यूज़पेपर कैसे लिखा जाता है, तो इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रूल्स ही आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है। जब आप पार्ट बी में आएंगे तो यहाँ पे जो है वो पहला जो टॉपिक है आपका है प्रिसाइज राइटिंग, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसन। देखिए, प्रिसाइज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसमें मान लिया, एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको उसको प्रिसाइज करके लिखना है, ठीक है, कहने का मतलब है उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, आपको कम से कम वर्ड में लिखना है, आप कैसे मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये होता है प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है, जिसमें आप यूज़ ऑफ प्रिसाइज राइटिंग और डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रिसाइज क्या होता है, ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं प्रिसाइज राइटिंग एक्सरसाइज में, उसके बाद में राइटिंग अ प्रिसाइज ऑफ गिवन पैराग्राफ क्या, ये सब अच्छे से आप देख ले, सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च करिए सब मिलेगा, ठीक है, अच्छी वेबसाइट पर जाके देखिएगा बस। कॉम्प्रिहेंसन का मतलब ये है कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आप पढ़िएगा आप उसको कितना समझ पा रहे हैं, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको समझने की क्या है, किसी पैराग्राफ को, किसी पैसेज को समझने की। उसके बाद में कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसको आपको आंसर करना होगा, बस बेसिक, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस है कोई बहुत अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट आने वाला नहीं है बाहर से, तो एकदम नॉर्मल सिलेबस रखा गया है, लेकिन आप रूल्स को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ग्रामर के तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, वरना मेन देखिए यहाँ पर यही देखा जाएगा कि आप प्रॉपर पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर स्पेलिंग देख रहे हैं, ग्रामर में क्या होता है एक स्पेलिंग से पूरा मतलब बदल जाता है, ठीक है, वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नीचे यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे पार्ट ए, देयर मे बी इंटरनल चॉइस, देखिए पार्ट ए जो है इसमें इंटरनल चॉइस हो सकती है जब आपको पेपर मिलेगा, बट इन पार्ट बी देयर मे नॉट बी एनी चॉइस, वहाँ पे कोई चॉइस नहीं हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, लेकिन आप चॉइस के चक्कर में मत जाइएगा, आप पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप अभी भी टाइम निकाल के पढ़ते हैं ना, तो पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप अदर पोस्ट के लिए उठा करके देखेंगे, जो ऊपर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर का सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी सिलेबस है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, बाकी चीज़ें आप खुद से कोशिश करिए पढ़ने की, सर्च करिए चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नेट पे मिल जाएंगी, या फिर आप लूसेंट की जो मैंने बुक बताई है वहाँ से आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएंगी चीज़ें, एक बुक में आपको मिल जाएगी, अभी भी टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस, अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पर नए हो तो।